अपनी ही शादी को छुपा ले गए दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ उन एक्टरों में से हैं, उन मझे एक्टरों में से हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार कहे जाते हैं। अगर कॉमेडी करवा लो तो भाई पर्दे पर कॉमेडी ऐसी होगी कि आप हंस हंस कर लोट पोट हो जाएंगे, और अगर एक्शन करवा लो तो भाई बॉलीवुड के सनी देओल भी फेल हैं। और रोमांस में तो ये शाहरुख खान को कॉपी करते हैं। लेकिन भाई क्या कारण था कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ये सुपरस्टार जबकि इतना सफल है? भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन और खेसारी से पहले, रवि किशन और मनोज तिवारी के बाद अगर किसी ने स्टारडम का असली मजा चखा तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ ही थे। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ इन्होंने पर्दे पर जो भी किरदार जिया वो जीवंत कर दिया। ये भोजपुरी के एकमात्र ऐसे स्टार हैं जिनके नाम पर फिल्में बनती हैं, जैसे निरहुआ चलन लंदन, निरहुआ रिक्शा वाला वगैरह वगैरह। लेकिन भाई इतना मजा हुआ कलाकार जब भोजपुरी इंडस्ट्री के रुपहले पर्दे पर आता है तो भाई जिसके साथ इनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा जमी वो थी पाखी हेगड़े। अगर आज भी आप भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी का नाम गूगल पे सर्च अगर करें या उनकी पत्नी के बारे में जानना चाहें तो भाई उनकी पत्नी के नाम की जगह आपको जो नाम दिखेगा वो पाखी हेगड़े का है। वो इसलिए कि इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी कि भाई जो भी देखता वो इनका दीवाना हो जाता। उन्हें लगता कि रुपहले पर्दे पर उकेरी हुई ये कारीगरी रियल लाइफ में भी पति पत्नी ही है। अब भाई ऐसी कई फिल्में थीं जब ये दोनों ने अलग अलग स्टार्स के साथ की, लेकिन उन फिल्मों को उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना रिस्पांस भाई इन दोनों ने जो फिल्में साथ की उनको मिला। अब आपको एक और ऐसी खबर देते हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। आज भी लोग ये सोचते हैं कि पाखी हेगड़े और दिनेश लाल यादव निरहुआ की शादी हो चुकी थी और इस शादी को तोड़ने का काम आम्रपाली दुबे ने किया। कई ऐसे लोग हैं जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और पाखी हेगड़े को पति पत्नी मानते हैं और उनके बीच आम्रपाली को होम ब्रेकर। लेकिन क्या ये सब कुछ सही था? इन सब के बीच कोई अपना जो था वो घुट रहा था। कौन था ये अपना? तो चलिए बताते हैं उस इंसान के बारे में जिसके बारे में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कई सालों बाद मीडिया के सामने एक खुलासा किया कि वो शादीशुदा है और उनके पास बच्चे हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने शादीशुदा होने की बात तक छुपा डाली थी। लेकिन इन बातों को हवा तब मिली जब इनका रिश्ता पाखी हेगड़े से टूटा। जी हाँ, पाखी हेगड़े और दिनेश लाल यादव निरहुआ रुपहले पर्दे पर भी नहीं, रियल लाइफ में भी एक ऐसी भूमिका में थे जो कि किसी भी पत्नी को नागवार गुजरती। उन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी रहा करती थी गांव में। अब आपको बताते हैं कि पाखी हेगड़े से अटैचमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या था। पाखी तो भाई मुंबई में पली बड़ी, फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाली और फैशन आइकॉन थी। मिस इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट में पार्ट ले चुकी थी पाखी हेगड़े। तो भाई आप समझ सकते हैं उनका लेवल क्या था। अब आपको बताते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि जिंदगी भर गांव में अपनी ज़िंदगी बिताए और जिन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से पाखी हेगड़े ने देखा। अब हर एक चीज़ के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ को पाखी हेगड़े पर डिपेंड रहना पड़ता है। हाँ, रुपहले पर्दे पर भले ही निरहुआ का सिक्का चलता लेकिन वो सिर्फ चलने भर के लिए यानी दर्शकों के लिए, और उसके पीछे का दिमाग, उसके पीछे की रूपरेखा, सब कुछ अगर कोई तैयार करता तो वो पाखी हेगड़े। आज जिस निरहुआ को ठीक से सूट बूट पहनने नहीं आ रहा था उस निरहुआ को भाई पाखी हेगड़े ने जो बनाया है
वो किसी काबिले तारीफ से कम नहीं है। आज निरहुआ की जो समझदारी आपको दिखती है वो पाखी हेगड़े की देन है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ मीठा सबसे ज्यादा होता है कीड़े भी वहीं पड़ते हैं, मारी आम्रपाली दुबे ने। वैसे यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दें, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पाखी हेगड़े के रूमर्स अफेयर को तोड़ने में आम्रपाली दुबे का कोई भी हाथ नहीं है। आम्रपाली दुबे तो आई थी अपनी किस्मत आजमाने भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन जब पाखी हेगड़े दिनेश लाल यादव निरहुआ की जिंदगी से गई तब तक आम्रपाली दुबे ने इतनी जगह बना ली थी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को शायद उनकी कमी नहीं खलती और खली भी नहीं। उसके बाद जब पाखी हेगड़े चली गई और आम्रपाली का आगमन हुआ तो बैक टू बैक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी पर्दे पर लगातार कई बड़ी हिट फिल्में दी और आम्रपाली दुबे निरहुआ की रानी बन चुकी थी। जी हाँ, दिल की रानी बन चुकी थी। अब बात करते हैं जरा इनके रिलेशनशिप की। तो आप हर जगह देखेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ अगर कोई नज़र आएगा तो वो कोई और नहीं, आम्रपाली दुबे है। जी हाँ, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे वो छुट्टियाँ मनाना हो, चाहे वो फिल्म करना हो, चाहे वो चुनाव की रैलियाँ करना हो, हर जगह आम्रपाली दुबे। लेकिन कहीं नहीं दिखता है तो सिर्फ एक चेहरा, दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी का चेहरा, जो कि जब दिनेश लाल यादव निरहुआ स्टार नहीं थे तब से उनके साथ थी और आज सुपरस्टार बन चुके थे तब तक उनके साथ रही और आगे भी उनके साथ रहेंगी। हाँ, अगर आप ये कहेंगे निरहुआ ने इस रिश्ते में कुछ निभाई तो शायद ये कि अपनी पत्नी का दर्जा उन्होंने ना आम्रपाली को दिया और ना ही पाखी हेगड़े को। उनका टैग उन्हीं को दिया। दुनिया जानना चाहती है कि निरहुआ की पत्नी कैसी दिखती है। हर साल कोई ना कोई फोटो आती है और कहा जाता है ये निरहुआ की असली पत्नी है, लेकिन कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी पत्नी को मीडिया के सामने नहीं लाया। जब भी पूछा गया सवाल तो उसके बदले में जवाब मिला कि वो मीडिया साय पर्सन है, वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहती, वो परिवार में ही रहना चाहती है और बच्चों की देखभाल और परवरिश में ही वो खुश है। ना ही खेसारी की पत्नी की तरह वो कभी मीडिया के सामने आई और ना ही पवन की पत्नी की तरह वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वो सिर्फ एक घरेलू औरत है जो कि अपने पति की खुशी, कामयाबी और बच्चों के साथ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी, फिर चाहे पति न जाने कितनी रुसवाइयां दे। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। तभी तो उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो डिस्टेंस रखा है, शायद उसी की कद्र करते हुए भोजपुरी की हर टॉप की हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती है। और आम्रपाली हो या फिर पाखी हेगड़े हो या फिर हो उनकी पत्नी, सभी उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। वैसे जो जो निरहुआ के साथ काम किया, जो जो उनसे जुड़ा, चाहे वो पाखी हो, आम्रपाली हो या भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस, जो भी निरहुआ से जुड़ा वो उनके बारे में एक शब्द हमेशा कहता है, वो बहुत ही समझदार है, उन्हें पता है कि किस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात हम और कहेंगे, दिनेश से निरहुआ बनने के सफ़र में अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ का किसी ने बहुत ही सच्चे दिल से साथ दिया है तो उनकी पत्नी मनसा यादव है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनकी पत्नी का नाम मनसा यादव है और अपने पति की कामयाबी के लिए, अपने पति की खुशी के लिए ये उन औरतों में से हैं जो हर
दर्द हंसते हंसते बर्दाश्त कर ले। वैसे भी भारतीय औरतों की खूबसूरती ही होती है उनकी सहनशीलता और उनके रिश्तों को लेकर ईमानदारी। तो यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।